नमस्कार, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज है। किरण बेदी देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, इतिहास में लिख गया ये। अपनी इस एक पहचान की नींव पर किरण बेदी का करियर खूब परवान चढ़ा। उनके नाम के साथ किंवदंतियां जुड़ी। आगे बहुत कुछ घटा उनके करियर में, जीवन में। वो अन्ना आंदोलन का हिस्सा बनी, दिल्ली के सीएम पद की रेस में शामिल हुई और आखिरकार पुदुचेरी की गवर्नर बनकर सेटल। अपने करियर की बेशुमार उपलब्धियों के बावजूद उनकी सबसे प्रोमिनेंट अचीवमेंट यही है कि वो भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर थी। इस पहले होने की बहुत महिमा है बॉस। जनता टॉप पोजीशन ही नोटिस करती है, जो शीर्ष पर है वही जिक्र के काबिल है। इसीलिए ये बात उतने फैनफेयर के साथ नहीं दर्ज की जाती कि भारत की दूसरी महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने किरण बेदी के जस्ट बाद इस मुकाम को हासिल किया था। इस लिस्ट में उनका नाम दूसरे पायदान पर है, तो फिर ऐसा क्या हासिल किया था उन्होंने जिससे उनका नाम भी किसी सूची के टॉप पर लिख गया हो। था कुछ वो लम्हा उनके करियर में तब आया था जब उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस की वर्दी पहने लगभग 3 दशक हो चुके थे। 2004 में कंचन चौधरी देश की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी। राजकुमार राव की फिल्म शाहिद में एक बढ़िया डायलॉग था, वक्त लगता है पर हो जाता है। कंचन चौधरी के लिए ये शब्द शह सही साबित हुआ। वक्त लगा लेकिन हो गया। आज पूरा मुल्क उन्हें भारत की पहली महिला डीजीपी के तौर पर पहचानता है। 26 अगस्त 2019 को उनकी मुंबई में डेथ हो गई, 72 साल की उम्र में, लंबी बीमारी से जूझने के बाद। इसके बाद एक शब्द आता है, उड़ान। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 80 के दशक खत्म होते होते भारतीय जनता को टेलीविजन का चस्का लग चुका था। रामायण, महाभारत जैसे ग्रैंड सीरियल्स लोगों को टीवी महिमा से परिचित करा चुके थे। हालांकि टीवी अब भी इंडियन मिडिल क्लास के लिए लग्जरी आइटम ही था। ऐसा नहीं था कि घर घर टीवी सेट रखे हुए हो। मोहल्ले में एक दो घर ही ऐसे होते थे जो टीवी अफोर्ड कर सकते थे, और उन्हीं घरों में शाम के वक्त तमाम मोहल्ला इकट्ठा होता था, सामूहिक तौर पर देखे जाते थे सीरियल्स। उन्हीं दिनों एक सीरियल एयर होने लगा था, नाम था उड़ान। उड़ान एक महिला आईपीएस अफसर की कहानी। इस सीरियल के पीछे कविता चौधरी नाम की एक महिला का हाथ था। कविता चौधरी यानी कंचन चौधरी की बहन। बहन ने बहन की जिंदगी पर सीरियल बनाया और खुद उसमें लीड रोल किया, सीरियल डायरेक्ट भी किया। बहुत जल्द उड़ान लोगों का पसंदीदा सीरियल बन गया। एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी को लोगों ने खूब पसंद किया। पुलिस से सदा त्रस्त जनता को किसी महिला पुलिस अफसर की दयालुता भाग। कुछ एक एपिसोड तो बहुत ही पसंद किए गए। इनमें वो मोहतरमा अपने माथहत कॉन्स्टेबल्स को पब्लिक के साथ रूडली पेश आने के लिए लताड़ती हैं। यहां तक कि जनता और मीडिया ने पुलिस को सलाह तक देना शुरू किया था कि जनता को ट्रीट करने का तरीका पुलिस को इस सीरियल से सीखना चाहिए। उड़ान ने न सिर्फ तारीफ बटोरी बल्कि कहीं ना कहीं उन बेशुमार लड़कियों के लिए नए रास्ते भी खोल दिए जो वर्दी वाले प्रोफेशन को सिर्फ मर्दों की मिल्कियत माने बैठी थी। कंचन चौधरी उस दौर की आईपीएस अफसर हैं जब लड़कियों के लिए करियर ऑप्शंस लिमिटेड थे। पुलिस जैसी रफ जॉब के लिए तो उन्हें काबिल ही नहीं माना जाता था। कंचन चौधरी, किरण बेदी जैसी लड़कियों ने इस धारणा की नींव हिला दी। किरण हिमाचल में पैदा हुई और अमृतसर दिल्ली में पली बढ़ी। बदकिस्मती से कंचन चौधरी के आईपीएस बनने की कहानी का कोई सलीके का रिटर्न अकाउंट नजर नहीं आता। ना उन पर कोई किताब लिखी गई, ना किसी मैगजीन का विस्तृत आर्टिकल पढ़ने में आया, और ना ही YouTube पर कोई ऐसा इंटरव्यू मिला जिसमें उनके शुरुआती संघर्ष की झलक हो। उड़ान जरूर है, लेकिन वो उन पर बेस्ड था महज। उससे ये पता लगाना मुश्किल है कि सच कितना और कितनी लिबर्टी ली गई है एज ए सीरियल।
तो जाहिर सी बात है कि उनके आईपीएस बनने के पहले के संघर्ष का कोई तरीके का लेखा जोखा है नहीं। बस इतना ही पढ़ने में आया कि उनके पिता किसी प्रॉपर्टी मैटर में फंस गए और प्रॉपर्टी मैटर में उनको बुरी तरह से पीटा गया था। उस वक्त पुलिस ऐसे मामलों में एफआईआर लिखने से कतराती थी। इस बात ने उन्हें पुलिस में जाने को प्रेरित किया ताकि वो लोगों की मदद करने में सक्षम हो। हाँ, वर्दी पहनने के बाद जरूर वो सुर्खियों में बनी रही, चाहे उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित सैयद मोदी मर्डर केस हो या रिलायंस बॉम्बे डाइंग वाला हाई प्रोफाइल केस, उन्होंने बहुत कुछ हैंडल किया। 2004 में मेक्सिको में हुई इंटरपोल की मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, इंटरपोल माने पुलिस की इंटरनेशनल जमात। कुछ अरसा वो मुंबई CISF में कार्यरत रहीं, थोड़े समय के लिए उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी काम किया। उन्हें प्रेसिडेंट्स मेडल और राजीव गांधी अवार्ड से भी नवाजा गया। यहां तक कि लोकसभा चुनाव भी लड़ा, हार गई वो अलग बात है। कहने की बात यह कि बहुत कुछ हासिल किया उन्होंने और फिर आया मैजिक मोमेंट फर्स्ट लेडी वाला। जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि किसी भी लिस्ट में पहले नंबर पर होने का सुख ही अलग है। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, 4 साल बाद कंचन चौधरी राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP अपॉइंट की गई, राज्य की क्या देश की पहली। इससे पहले वो उत्तराखंड की ADGP थी, वहां से प्रमोट होकर DGP बनी थी। ऐसा लगा जैसे उड़ान अब जाकर पूरी हुई हो। अपने टेलीकास्ट के 1.5 दशक बाद चार्ज लेते वक्त कंचन चौधरी की कहीं एक बात काबिले इबरत है। उनसे किसी ने पूछा कि क्या वो सख्त अफसर बनेंगी, इसका जवाब था सख्त नहीं, संवेदनशील। 2006 में Rediff.com के सीनियर एसोसिएट एडिटर ओमकार सिंह ने कंचन चौधरी से बात की। ये वही वक्त था जब लतिका सरन नामक एक और महिला आईपीएस अफसर की चर्चा हो रही थी। वो भारत की पहली ऐसी महिला थी जो किसी शहर की पुलिस कमिश्नर बनी थी। अब तक वो भी इकलौती महिला हैं जिन्होंने कमिश्नर की कुर्सी संभाली है। लतिका भी आगे चलकर तमिलनाडु की DGP बनी थी। बहरहाल बात कंचन चौधरी के इंटरव्यू की। कंचन ने उस इंटरव्यू में लतिका के कमिश्नर बनने पर खुशी जताई थी, इस बात का संतोष जाहिर किया था कि महत्वपूर्ण पोस्ट पर महिलाओं की मौजूदगी बढ़ रही है। कहा था, मैंने लतिका को SMS भेजकर बधाई दे दी है। मेरा मानना है कि महिलाएं ज्यादा निष्पक्ष होती हैं और जनता के लिए पुरुष अफसरों के मुकाबले सहजता से उपलब्ध भी रहती हैं। ये अच्छा नजारा है कि महिलाएं हायर पोस्ट के लिए मेहनत कर रही हैं। कंचन चौधरी ने ये मेहनत 70 के दशक में ही कर ली थी, तब जब महिलाओं के लिए करियर ऑप्शन के तौर पर टीचर बनना ही सेफ था। वर्दी पहनकर क्राइम की दुनिया में दखल देना तो दूर, बड़ी जरूरत वाला काम माना जाता था। कंचन चौधरी जैसी महिलाओं ने घिसा पिटा रास्ता छोड़कर नई राह बनाई, ऐसी राह जो शुरू में तो महज एक पगडंडी थी, लेकिन उनके कदमों के निशानों पर पैर रखते हुए इस मुल्क की महिलाओं ने उसे हाईवे बना दिया, जिस पर मेहनती जुझारू लड़कियों की उड़ान अनवरत जारी है। ऐसी महिला को हमारी तरफ से भी अंतिम विदाई। मेरा नाम नीरज है। इस स्टोरी को दी लल्लन टॉप के लिए हमारे साथी मुबारक ने बुना था और इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में मेरे साथी रूहानी थे। शुक्रिया।